एक लॉकडाउन लगा दिया, कोरोना लगा दिया, सब आदमी भूखा मरा जा रहा, देख रहे मरीज कितना लेबर खड़ा है। हमने तो आदमी मर गए भूखन के मारे बेचारे। 30,000 मांग रहा था कमीशन, 30,000 यहाँ 3 रुपया नहीं, कैसे दे कमीशन, कैसे कॉलोनी। मुलायम सिंह की सरकार में कोई भूखा प्यासा नहीं, ना गुंडे ना बाजी ना भूखे प्यासे कोई नहीं रहता। मुलायम सिंह की सरकार सही थी। 30,000 पा रहे हैं कम से कम, गरीब लोग 2-3 हजार रुपए दे यार, 5,000 2,000 में का हो। अरे यार बहुत रहे यार, तो आप देख सकते हैं नमक भी, नमक भी नहीं, सब्जी काटी रखी है और उसका तेल नहीं मिल रहा, समझ लीजिए। का भूखे मरेंगे लड़का बच्चा। अच्छा मजबूरी है, मजबूरी ना होते तो ये लड़का बच्चा लेकर यहाँ आती है। सरकार का दोस्त तो है ये, जो हम लोग लाठी खा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, फिर भी गरीब का कहीं ठिकाना नहीं। दुनिया हार मल लेबर कार्ड का हमारे खाते में कभी 1 रुपया नहीं गया, कभी नहीं आया। लेबर कार्ड बनवाया। नमस्कार, मेरा नाम है विनोद बाबू, आप ज्ञान कोच की ग्राउंड रिपोर्टिंग देख रहे हैं। हम हैं आज लखनऊ के सरोजनी नगर में, हमारे साथ आपको इधर काफ़ी दिख रहे होंगे, ये सब मजदूर हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इस कोरोना काल में सरकार के द्वारा इन्हें क्या क्या मुहैया कराया गया, या सरकार के द्वारा इन्हें क्या क्या मिल रहा है, इन लोगों पर इस कोरोना काल में क्या क्या बीता है, हम वो सब कुछ इनसे पूछेंगे। और ये सब खड़े हैं, ये सब मजदूरी के लिए खड़े हुए हैं, शायद ये कहीं जो लोग इनको काम पर ले जाना चाहते हैं उसके लिए खड़े हुए हैं। काफ़ी लोग उधर भी खड़े हुए हैं, तो हम इनसे पूछेंगे कि इस कोरोना काल में इन्हें क्या मदद मिल पा रही है। जी अमित लाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं? रहीमाबाद। यही रहीमाबाद। ये बांध लो बढ़िया। अच्छा, तो यहाँ पर खड़े हैं किस लिए खड़े हैं? लेबर के लिए। अच्छा, लेबर के लिए पैसे। तो कोई ले जा रहा है लेबर? कोई नहीं ले जा रहा, एक हफ्ते से लौट रहे हैं। आ जाओ इधर, आ जाओ। एक हफ्ते से लौट रहे हैं यार, काम ही नहीं मिल रहा। एक हफ्ते से लगातार आप लगातार आते हैं यहाँ पर खड़े रहते हैं। और मतलब सरकार के द्वारा कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता है, भूखे मर रहे हैं। भूखे यहाँ मर रहे हैं, कहीं 10 किलो देंगे, 5 किलो देंगे, वो हम 7 किलो गेहूँ 6 किलो गेहूँ देते हैं। कोटे में क्या 2 किलो 4 किलो गेहूँ खा लेगा 3 परिवार? तो परिवार में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। अच्छा, 6 लोग हैं। हाँ, किसी कहीं अंगूठा नहीं लगेगा, किसी की ये नहीं लगेगा, कुछ देते नहीं। ये कौन कहता है, कोटेदार कहते हैं कि? हाँ, कोटेदार कहते हैं। अच्छा, कोटेदार कहते हैं। तो लगभग आप कह रहे हैं कि 6 दिन से लगातार यहाँ पर आते हैं? हाँ, 6 दिन से बराबर आ रहे हैं। मजदूरी नहीं मिल पा रही, नहीं मिल पा रही, उसके बाद घर लौट जाते हैं। अपना नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार है। अच्छा, मैं रहने वाला हूँ सोहरामो का, और 3-4 दिन से आ रहे हैं लगातार, कभी मिलता है कभी नहीं। अच्छा, मिलता तो ये मजदूरी दिहाड़ी कितने रुपए मिलती थी प्रतिदिन? प्रतिदिन 350 ऐसे ही मिलती है हम लोगों को। अच्छा, तो मजदूरी में कौन सा काम करते हैं? ईटा गारा यही सब करते हैं। अच्छा, पीछे से बोल रहे हैं, कुछ सामने से बोल दो तो अच्छा रहेगा। और यही हम लोगों करते हैं, और फिलहाल के लिए अभी तो कुछ है आते हैं। सरकार के द्वारा आपको क्या क्या मदद मिली? अब भी क्या मिली है? कुछ भी नहीं है, जो जिसके पास पैसे कौड़ी है उनका काम हो रहा है, बाकी जो मजदूर हैं हम लोग जैसे मजदूरी वाले हैं। चलो भाई से पूछते हैं, कुछ बोल रहे हैं तो महंगाई के बारे में बता रहे हैं। महंगाई यही है बेचारे, लेबर 300 रुपये तनख्वाह पा रहे हैं, 300 रुपये दिहाड़ी, 350 पा रहे हैं, महंगाई कहाँ है? 200 रुपये में तेल हो गया, कहाँ से बेचारे लेबर खा पाएंगे बताइए? और ये भी कहाँ से इनको मिल रहा है, कहाँ जाएँ भाई ये बताइए, बेचारे कहाँ जाए? सरसों का तेल हो गया, गैस सिलेंडर हो गया, सब कुछ महंगाई हो गई यार, क्या चीज़ में सस्ता है बताइए? तो गरीब आदमी कहाँ जाए? बहुत से उधर भी मजदूर हैं, उनसे अरे देखो जाके बेचारे। बाकी आप लोग इस सरकार से खुश है? हम तो नहीं खुश हैं, नहीं खुश हैं, हम लोग नहीं खुश हैं। कौन खुश है यार, 10 किलो चावल मिल जा रहा, 5 किलो चावल मिल जा रहा, उससे क्या खुश हो जाएंगे? वो भी चावल साला खाने लायक चावल नहीं। सरकार तो दावे कर रही, लगातार कर रही कि पिछले कोरोना काल में हमने 500-500 रुपये मुहैया कराए थे। किसके माया? जिसके माया बता दें आप। कोई नहीं मिले नहीं, उसमें आया है, सबका जनधन खाता ही नहीं है। हर आदमी जनधन खाता है, जिसका जनधन खाता है उसमें 500 रुपए आए हैं, बाकी किसी को कहाँ मिला है? इस बार कह रही कि मजदूर हैं, ठेके वाले हैं, उनको 1,000 रुपए दिए जाएंगे। लेबर आदमी सरकार में आप लोगों को कुछ नहीं, जो मजदूर है
दिहाड़ी का में सिर्फ पैसों वाले के पास है, व्यापार चल रहा बढ़िया बढ़िया, सब कुछ चल रहा, बाकी लेबर आदमी दुखी है, सब कुछ सबके पास आ है, जिनके पास पैसा है उसका धंधा चल रहा है। सरकार तो कह रही लगातार हम मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए राशन फ्री दे रहे हैं। हाँ क्या बोल रहे यार, चलो आटा आटा गेहूँ दे दें आपको, चावल दे देंगे, चूल्हा लकड़ी कहाँ मिलेगा? गैस सिलेंडर तो सबको फ्री दिए सरकार ने, कहाँ दिया? अब वो पैसा, अब उसके लिए गैस मिल जाएगी, 1000 की गैस मिल रही इस समय, 800-900 की कहाँ लाएगा गरीब आदमी? 350 रुपया कमा रहा बेचारा। सरकार को इस कोरोना काल में क्या करना चाहिए था जिससे आप लोगों को कुछ मदद मिल पाए? 5000 देखते ही कम से कम गरीब लोग 3000 रुपए दे यार, 5000 में का हो? अरे यार बहुत रहे यार, तुम 500 बता रहे हो, बच्चे भूखे मर रहे हैं, लॉकडाउन में काम भी नहीं चल रहा है भैया। और दारू ठेका खुलवाने जाती है, हाँ उससे फायदा है, गवर्नमेंट का फायदा है, बस रोड वैसे बसें चल रही, वो फायदा है। वो ठेकेदार आते हैं आप लोगों को ले जाते हैं दिहाड़ी के लिए? ठेकेदार बेचारे के आते हैं गरीब, जैसे तुम्हारे घर का काम है आपने बुला ले गए, तो एक दिन करें दूसरे दिन बैठे बेचारे, पुलिस खड़ी नहीं होती, होने देती है, मारती है लाठियों से हम लेबरों को। तो आप लगातार यहाँ कितने दिन से खड़े हैं? यहाँ काफी दिन से खड़े हैं। अच्छा रोज आते हैं? रोज आते हैं, कभी काम मिलता कभी मिलता ही नहीं जी। अच्छा जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन खाना पीना कैसे चलता है? अरे अब किसी तरह से उधार व्यवहार चलता है दुकानों पे, जब काम लगता है तो उनको देते हैं। अच्छा आज आज आप सुबह आए हैं तो कुछ खा पी कर आए हैं कि नहीं? नहीं भैया कुछ खा कर नहीं आए, केवल चाय पी कर आए हैं। चाय पी कर आए हैं, हाँ पैसा ही नहीं। यहाँ पर मजदूरी ठेकेदार मिल पाएगा तो मिले जाएगा? हाँ मिल जाएगा, नहीं तो वरना फिर घर वापस। शाम का कैसे चलेगा, अगले दिन का? अब शाम को ऊपर वाला है, उधार व्यवहार चले कहीं, ये कैसे चले? अब हम लोग बताइए, सरकार से खुश नहीं है। 2022 में अभी मुख्यमंत्री चुनना है आप लोगों को, किसको चुनेंगे? अरे सर अब आएगा समय तो चुना जाएगा। तो किसको चुनेंगे, सपा बसपा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मायावती? भैया बताया जाएगा, वो तो समय आने तो क्योंकि इतनी दिक्कतें हम लोगों को उठाई हैं, अब क्या बताएं, सब्जी काटी रखी है और उसका तेल नहीं मिल रहा, समझ लीजिए। आप लोग 2022 में जाएंगे, मोहर लगाएंगे, जी जी, आपका मुख्यमंत्री बन जाएगा, जी सरकार जी आपके द्वारा चलती, जी जी। तो आप 2022 में किसको बनाएंगे? लेडीज से भी पूछिए, जो जीत जाते हैं वो पूछते रहे कहाँ से आओ कहाँ से नहीं, लेबर वो जिता देगा, जिता के बाद पूछेगा नहीं कहाँ जीते हैं कहाँ नहीं, वो भूल जाते हैं फिर। अच्छा अच्छा, तो आप ये योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, उसे खुश नहीं है? खुश का जब जनता ही नहीं खुश है तो यहाँ वोट पा जाए, वही बात सही हो जाए। अच्छा तो आप यहाँ पर किस लिए आई हैं? यहाँ काम के लिए आते हैं। काम के लिए आई, तो आप घर जाएंगी किसी के तो वहाँ कौन सा काम करती हैं? कौन का जब जब मिलेगा काम तभी जाएंगे। अच्छा, यही तो यही वाला। अच्छा ढोने वाला यानी मजदूरी वाला काम करते हैं दिहाड़ी में? कितने लोग कितना रुपया देते हैं दिहाड़ी में? कहीं 350 रुपए, चलो 350 में बताओ कहाँ मिलेगा, कहाँ खाएंगे? सरकार ने आपको पिछले कोरोना काल में सरकार ने आपको 500 रुपए मुहैया करा दिए हर महीने? 500 में बताओ घर चलेगा कहाँ चलेगा, इतनी महंगाई में बताओ 500 रुपया अभी लेके जाओ ना सब्जी मिलेगी कुछ नहीं मिलेगा। सरकार तो करी कि हमको 500 रुपये दिए थे जिससे सब्जी वब्जी चल पाए, राशन फ्री दे रहे थे, खाता ही बंद हो गया जो खुलवाई ना मोदी जी। अच्छा, जीरो वाट वाला बंद कर जीरो मोदी वाला खाता बंद हो गया, मोदी वाला खाता बंद हो गया। अच्छा मेरे पास खाता ही नहीं तो मैं ना खुलवाता, मुझे तो एक रुपया भी नहीं मिला। तो सरकार से आप खुश नहीं है? खुश नहीं है। 2022 में किसको बना देंगे? जो बने वो अच्छा बने। अच्छा बने, अच्छा कौन है आप, आपके नजर में कौन? योगी जी हैं, अखिलेश जी हैं, मुलायम सिंह को सही, मुलायम सिंह सही, सरकार ठीक है, मुलायम कौन है? मुलायम सिंह की सरकार। अच्छा मुलायम सिंह की सरकार। अच्छा इससे पहले मुलायम सिंह की सरकार में कोई भूखा प्यासा नहीं, ना गुंडे ना बाजी ना भूखे प्यासे कोई नहीं रहता, मुलायम सिंह की सरकार सही थी। अच्छा मोदी क्या बता रही हूँ, जो जीतता है बड़ा आदमी उसको 500 रुपया दो, देखिए वो तो करेगा मतलब एक महीना का खर्चा उठाएगा 500 में, 500 में एक महीना का खर्चा नहीं उठाता। इस सरकार से खुश नहीं है, 2022 में किसको बनाएंगे? अब वो तो भगवान मालिक जो बनेगा। नहीं भगवान थोड़े ना मोहर लगाने आएगा, लगाएंगे आप मोहर लगाएंगे? मोहर तो जनता लगा देते हैं पर जनता को मिलत का कुछ नहीं मिलत। अखिलेश की सरकार कुछ नहीं करती, अब हमको तो कुछ मिलता नहीं तो हम कैसे बताएं?
यानी कि आप इस सरकार से खुश नहीं हैं। सरकार इस कोरोना काल में ये मजदूर हैं जो इनका कहना है कि सुबह हम केवल चाय पी करके आए हैं, यहाँ पर खड़े हैं, अगर कोई ठेकेदार आना दो दिन से ना नसीब है। और बताओ कपड़े अपना जाओ, खाना क्यों नहीं नसीब, काम ही नहीं लगे, क्या खेबे काटी रखी हुई है तेल की वजह से, जब वापस चले जाते हैं पैसा ही नहीं है। हाँ पैसा है, क्या करें, बच्चों को आलू उबाल कर खिलाते हैं, भूत कर खिला देते हैं नमक मिर्चा छिड़क के, क्योंकि सब्जी का तेल ही नहीं, जब वापस चले जाते हैं तो पैसा कहाँ से आएगा, बताओ ऐसी सरकार से हम सबको क्या लाभ है। अच्छा तो यहाँ पर कितने बजे तक खड़े रहेंगे आप सब लोग? 12 बजे के बाद फिर कौन आएगा ठेकेदार लेने? मरो ना लगे काम, भूखे मरो, यहाँ कोई देने वाला है? अभी 10 बजे के बाद पुलिस डंडा मार मार कर भगा देगी हमको, कहाँ यहाँ मिलेगा, लाठी चलाती। अब पुलिस पूरी जनता की मार खाए, पुलिस की बीमार खाए और भूख से भी मरे। अच्छा ये पुलिस का दोष है कि सरकार का दोष है कि आप लोग खड़े हैं मजदूरी के लिए खड़े हैं? सरकार का दोष तो है ये, जो हम लोग लाठी खा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, फिर भी गरीब का कहीं ठिकाना नहीं। उधर देखिए ठेकेदार आए हैं, शायद ठेकेदार है ना वो, तो अब उनसे बात कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि इस कोरोना काल में आप लोगों को कहते होंगे कि हम मनमानी करते होंगे ठेकेदार कि हम इतनी दिहाड़ी देंगे, चलना है तो चलो, ये कहते मनमानी 250 रुपया 200 रुपये ज़्यादा देते नहीं, 400 देते थे वो 200 रुपये देते हैं, भूखे मरेंगे, जाना पड़ता है इन लोगों को। और बता रहे क्या जाते हैं, नहीं जाएंगे कब, भूखे मरेंगे लड़का बच्चा। अच्छा मजबूरी है? मजबूरी ना होते तो ये लड़का बच्चा लेकर यहाँ आती है उधर। अच्छा पेट पालना है तो अगर कोई ठेकेदार 200 दे देगा तब भी चले जाएंगे? तब भी जाओगे, नहीं जाओगे लड़का बच्चा, भूखे मारोगे? भैया बिल्कुल काम के लिए सब जने खड़े हैं। अच्छा तो आप जाती हैं, मतलब कौन सा काम करती हैं? अरे यही ईंट गारा मिल जाते सब जने, कई लावत है। अच्छा तो इस बार मिला है नहीं मिला है? नहीं, कितने दिन से खड़ी हो रही? अरे यार अच्छा 7 दिन से खड़े रहे। अच्छा 7 दिन से काम नहीं मिल पा रहा, खाना पीना कैसे चल रहा है भैया? वो है एक दिन मिला था, एक दिन नहीं मिला था, रोटी चल जाते है। अच्छा परिवार कितना बड़ा है भैया? 2 लड़कियां 2 बिटियां और 2 जने हम पंचायत, 6 जने का परिवार है। अच्छा ऐसा चल जा रहा है, नमक रोटी और का है, एक दिन मिला था एक दिन नहीं मिला था, लौट जाओ सब जने। अच्छा यहाँ अभी 9 बज गया है और इसके बाद कितने बजे तक यहाँ पर खड़ी रहेंगी? 11 बजे तक तो आदमी सब लोग खड़े रहते हैं, उसके बाद में मिला ना मिला कोई भरोसा नहीं है। रहने वाली कहाँ की है? अब उसी की, यहीं की रहने वाली। हाँ काम नहीं मिल पा रहा, और भी कुछ मजदूर हैं उनसे हम बात करेंगे। आप किस लिए यहाँ पर खड़े हैं? मजदूरी के लिए। मजदूरी के लिए कितने दिन से यहाँ पे लगातार खड़े हो रहे हैं? अरे आपके 1-1.5 महीने रोज आते हैं। 1-1.5 महीने से लगातार खड़े हैं? हाँ काम ही नहीं, काम नहीं मिल पा रहा है, मिला है। अच्छा तो यहाँ खाना पीना कैसे? खाना पीना का जो इधर आराम से बोल रहा काम, तो आ जाइए, आप दूसरे को सलाह दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी बोल दीजिएगा आराम से। अरे आप सलाह दे रहे हैं, दूसरे को सलाह दे रहे हैं, मजदूरों के लिए कुछ बोल दीजिएगा, इन मजदूरों के लिए हम आपके लिए आराम से। चलो चलो, हो सकता है नहीं, हो सकता है कैमरे में थोड़ा शर्माते हो, पर वो सलाह तो दे रहे हैं, जरूरी है सलाह भी देना जरूरी, क्योंकि सलाह के बिना कुछ नहीं चलता, परिवार नहीं चलता है। ये सब महिला मजदूरी के लिए है, आपको दिख रहा होगा ये सब मजदूर हैं, सब मजदूर हैं यहाँ पर, और काम मिल नहीं रहा, क्या करेगा आदमी? सरकार तो दे रही है, सरकार कहाँ दे रही है? 1000 रुपया दे रही है राशन, हम लोग कुछ नहीं दे रही है यार, भूखे तक तो मरे जा रहे हैं यार, राशन पानी तो है नहीं, गरीब आदमी यहाँ नकलम पड़े। तो सुबह कुछ खा पी करके आए हैं कि ऐसे आए हैं? हाँ खाने खाली पेट, खाली पेट आए हैं बस, जब कमाएंगे तभी तो खाएंगे, कहाँ से खा लेंगे, जब काम ही नहीं मिल रहा है, सरकार क्या दे रही है, कितनी हम लोगों को आप बता रहे हैं कि लगभग 1 महीने से नहीं मिल पा रहा है, 1 महीने से नहीं मिल पा रहा है, भूखे मरे जा रहे हैं। चलता है घर का खाना पीना, जो लेबर एक दिन मिलता है, परिवार कितना बड़ा? परिवार तो 4 जने हैं। अच्छा 4 जने हैं, खाना पीना नहीं चल पा रहा है, खाना में 1 दिन काम करते हैं तो 4 दिन काम नहीं मिलता है। अच्छा 4 दिन तो खाना वही 1 दिन में चलाते हैं, भूखे रहते हैं। अच्छा भूखे रहते हैं, सरकार तो दावे करती है कि हम किसी को भूखा सोने नहीं देंगे, रोज नहीं देती है, दे रही हो तो दिया होता है,
एक एक किलो आटा दिया हो तो बताए हमको कभी। देख रहे महंगाई कितनी बढ़ रही है। सरकार से खुश है? नहीं, हम लोग खुश नहीं है। अच्छा तुम किस कौन सा मुख्यमंत्री बन जाएगी? कोई दूसरी सरकार बने, कोई दूसरी सरकार बने, अखिलेश सिंह बने या मायावती बने, सरकार बने वो ये बने हमको मारे, वो सरकार बने वो भूखे न मारे। आप एक मत देंगे तो आप कुछ सोच के देंगे कि हाँ ये सरकार सही है, ये हमें भूखे नहीं मरने देगी? कौन सी सरकार? अखिलेश सिंह की सरकार में भूखे नहीं मरे, अखिलेश सरकार आए तो सही है। अच्छा, और हमें लोग को कुछ नहीं चाहिए। अच्छा यहाँ पर ये जितने यहाँ पर किस लिए खड़ी हैं? किस लिए खड़ी हैं? लेबर कमाने खाने आना। अच्छा कौन सा काम करते हैं? लेबर आई। अच्छा लेबर आई वाला मतलब ईटा मसाला। इधर आई, इधर आइए आराम। अच्छा ये शायद ठेकेदार होंगे, उनकी गाड़ी आई है। मास्क लगा, थोड़ा मुंह बंद कर लो आराम से। ईटा मसाला काम करते हैं, ईटा मसाला काम करते हैं। इम्यूनिटी पावर है आप लोगों की, मजदूर हैं, काम करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कितने दिन से लगातार आ रही हैं आप? अरे हमका तो हो गया 18 साल। 18 साल? 18 साल नहीं, अभी यहाँ पर कितने दिन से आ रही हैं? काम नहीं मिल पा रहा। काम नहीं मिल पा रहा काका, कम से कम नहीं तो 2 महीना हो गए, वो पूछता ही नहीं है, कुछ नहीं रहा, वो नहीं पूछती है। सरकार आपको क्या क्या, सरकार ने 1 रुपया नहीं दे, 500 रुपए तो दिए थे, 1 रुपया नहीं देता लोग खा जाते। प्रधान नहीं, सरकार ने कहा है कि हम यहाँ बटन दबाते हैं आपके खाते में पैसा नहीं जाता है। नहीं नहीं आया, पैसा नहीं आया। राशन फ्री मिलता? नहीं मिलता राशन, नहीं मिलता फ्री राशन। राशन ऐसे नहीं मिलता, हम लोग मजदूरी करते हैं। अच्छा पिछली राशन कार्ड बना है? हाँ राशन कार्ड है हमारे। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्या भैया प्रधान कहते हैं ये आधा कमीशन हमारा आधा सरकार का। प्रधान कहते हैं कि कोटेदार, कोटेदार। अच्छा तो यहाँ कितने दिन से आ रही है? हम लोग हो गए यहाँ, हमको लोग 5-6 साल हो गए मंडी में आ रहे हैं। यहाँ पा रही लेकिन मजदूर कितने दिन से नहीं मिल पा रही? यहाँ पर आकर के घूम जाती है, 3-4 महीने हो गए नहीं मजदूरी मिल पा रही, हमारे बच्चे भूखे मर जा रहे हैं। जब से कोरोना लग गया, जब से कोरोना लग गया ऐसे हम बहुत तबाह हैं हम लोग। इस सरकार से आप खुश नहीं हैं? नहीं, हम लोग अखिलेश सिंह की सरकार बनाना। निकल जाइए, हम लोग कुछ नहीं देते। यहाँ सब मजदूर हैं और दिहाड़ी के, दिहाड़ी पर काम करते हैं। अगर कोई ठेकेदार आता है तो इन लोगों को ले जाता है, शाम को दिहाड़ी ठेकेदार खा लेता, पैसे मिलते हैं नहीं लोग, 400 पूरे मिलते हैं, वो भी पूरे पैसे नहीं मिल पाते हैं, 400 भी वो 350 भी देते हैं। अच्छा अच्छा नाम बताते हैं? शिवा। हरीश मौर्या। हरीश मौर्या, हम भी मजदूरी करते हैं सर, इसमें बड़ी दिक्कत चल रही है सर। मास्क नहीं लगाया आपने? मास्क लेबर कार्ड हमारा लगा लीजिएगा, है नहीं मास्क, गिर गया कहीं। मोबाइल में, मोबाइल पे जो आता है नंबर लेबर कार्ड का, हमारे खाते में कभी 1 रुपया नहीं गया, तभी नहीं आया। लेबर कार्ड बनवाया, बताइए पिछली बार आपको 500 रुपए खाते में नहीं आते? खाता खुला है? खाता हमारा खुला है। अच्छा नहीं आया, नहीं आ रहा पैसा? अच्छा इस सरकार से आप खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं खुश है, नाराज है। कौन सी सरकार बने की आप खुश हो जाए? अखिलेश जी। अखिलेश जी हैं? हाँ। अखिलेश जी अच्छे लगते हैं? हाँ। सही काम करते हैं? हाँ सही काम करते हैं भैया, वो एक नंबर का काम करते हैं, एक नंबर का काम करते, वो भूखा नहीं मरने देते गरीब गुनी को, वो गरीब गुनी का अमीरों को सब सहायता देते हैं। जब से ये मोदी जी आए तो मोदी जी ने 1 लॉकडाउन लगा दिया, कोरोना लगा दिया, सब आदमी भूखा मरा जा रहा। देख रहे मरीज कितना लेबर खड़ा है, कितने तो आदमी मर गए भूखन के मारे बेचारे, कितने तो आदमी खत्म हो गए लाठी खा खा मरी। अभी परसों उन्नाव में परसों भी लाठी चली थी, उन्नाव में लाठी चली तो सब लोग भाग आए थे, और सब बाजारे बंद करा दिए, पब्लिक बंद करवा दिया। हमारे पास पैसे नहीं मास्क लेने के लिए, बताओ क्या करे सरकार, पैसे देगी सरकार? मिल पा रहा, नहीं मिल पा रहा, काम नहीं मिल पा रहा, नहीं मिल पा रहा। देखो हम लोग खाना सूखी रोटी लाए बांध दिखा दीजिएगा, देखिए क्या है, दिखाइए कहाँ तक सूखी रोटी खाए भैया, क्या करे बच्चे। सरकार लगातार कह रही है की हम सूखी, आप देख सकते हैं नमक भी, नमक भी नहीं, 150-200 रुपया कुछ बना खा लेंगे सब्जी, रुपया नहीं है, कैसे सूखी रोटी खा बेटा, सूखी रोटी खा रहे, क्या करे बच्चे हमारे से मरे जा रहे हैं भूखे मारे। परिवार कितना बड़ा है? परिवार हमारे 7 लड़की हैं 2 लड़के, बड़ा परिवार। हाँ लड़कियाँ क्या करती हैं? हाँ लड़कियाँ क्या करती हैं? लड़कियाँ बच्चे छोटे 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 हैं। हाँ
नहीं मिल पा रहा है। दे दे बेटा कुछ, थोड़ी दया हमें भी आ रही कि एक दे दे बेटा क्या करें, एक महिला एक रूखी रोटी खाती, इसके साथ नमक भी नहीं है, अचार भी नहीं है, अचार भी नहीं है। अगर काम मिल जाता नहीं है क्या खाएं, एक पैसा नहीं, सूखी रोटी खाएंगे क्या खाएं। सरकार तो ऐसा करा ही नहीं, खाते हैं नहीं, काम मिलता तो भूखे बनना पड़ता है, क्या यही चले जाएंगे वापस, लिए चले जाएंगे, यही लेके चले जाएंगे घर, बच्चों को खिलाएंगे, यही लौटा के ले जाएंगे, और क्या करेंगे, काम मिल जाएगा चले जाएंगे, नहीं मिलेगा तो लौट जाएंगे, घर में भूखे मर रहे, माटी करती वहां जाकर, ईंट घर आ गई, ईंट घर करते, दो मंजिल तीन मंजिल मसाला ईंटा गुंबद, चार मंजिल छह मंजिल चलना पड़ता है, महल बनते हैं उतरते हैं, क्या करें बेटा कुछ हो जाते हैं लोग, कुछ नहीं मिल पा रहा, कुछ हो बेटा कुछ नहीं मिल पा रहा। तो 2022 में सरकार किसकी बनेगी, अखिलेश सिंह की, अखिलेश सिंह की बनेगी, अखिलेश की, अखिलेश की बनेगी, क्या बताओ क्या करते दुनिया हार गया, मोदी जा रहा है, मोदी घर ठीक। आपने देखा है कि हमने महिला की सूखी रोटी, महिला ने दिखाया है कि इनके साथ रोटी के साथ में अचार भी नहीं है, नमक भी नहीं है कि ये खा सकें, थोड़ी दया आती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतने मजदूर हैं और मजदूरों की संख्या बहुत है, और यहाँ पर ठेकेदार को ही नहीं मिल पा रहा है जो इन्हें ले जाए, दिन की दिहाड़ी दे, जिससे इनका खाना पीना चल पाए। इस कोरोना काल में ये मजदूर, ऐसा लगता है कि मजदूर बिल्कुल दुखी हैं, इस सरकार से दुखी हैं। सरकार जो वादे करती है, बताती है कि हम उन्हें राशन फ्री देते हैं, 500-1000 रुपये मुहैया कराते हैं जिससे इनका खाना खर्चा चल पाए। महंगाई की भी बात थी, आप लोग खाना किससे बनाते हैं, गैस सिलेंडर से बनाते हैं, चूल्हे से बनाते हैं, सरकार ने फ्री गैस सिलेंडर दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, किसी को नहीं मिला, किसी को सिलेंडर मिला, किसी को गरीब को कहां मिला, कॉलोनी नहीं मिली, राशन कार्ड कहां मिल गया, कॉलोनी आई थी, रख रहे हैं बंगला में, रह रहे प्रधान लोग भी खा जाते हैं, प्रधान लोग आए 30,000 मांग रहा था कमीशन, 30,000 यहां 3 रुपए नहीं, कैसे दे कमीशन, कैसे कॉलोनी, कहां कहां रहने वाले, सीतापुर जिला के, अच्छा सीतापुर जिला, हां हरीश मौर्य नाम है, कॉलोनी आ चुके हैं सर बहुत बार, मतलब 16-17 में आ गए, 30,000 कमीशन मांग रहा प्रधान, प्रधान 30,000 दो तो आएगा, आज आप आराम से खाना खाएंगी, बढ़िया, हम ठीक सर, बड़ी दिक्कत मतलब आवाज आपको मिलती है, नहीं मिला सर, मतलब 16-17 में आया था कि चलो कॉलोनी आ चुके, घर बैठो, वहाँ क्या खाए, यहाँ कुछ काम मिल जाता, वहाँ कुछ नहीं मिलता है, गेहूँ पैदा करने से नहीं हो जाता, उसके साथ और भी तेल सामान बना है, तो चला कहाँ मिल रहा पैसा, खाता पैसा है, कुछ खत्म नहीं आता, ये एक मजदूर की दास्ता है जो उन्होंने अपनी आप बीती बताई है कि हम ऐसी रूखी रोटियाँ, कुछ मजदूरों ने कहा, कुछ रास्ता नहीं जाम करना आराम से, कुछ मजदूर का कहना है कि सुबह केवल चाय पी कर के आए हैं, उनके साथ कुछ नहीं है, अगर दिन में काम मिल पाएगा तो काम करेंगे, अन्यथा पूरा दिन भूखे रहेंगे और फिर शाम को जा कर के कैसे ही उधार से काम चलाएंगे, अपना घर, अपने परिवार का, अपना पेट भरेंगे। हम आपको दिखा रहे हैं कोरोना काल में ज़मीनी हकीकत, मजदूर की आवाज़, इस सरकार में मजदूर खुश नहीं है, हम आपको दिखाते रहेंगे। या वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक के साथ फॉलो भी करें, या वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, हम आपको दिखाते रहेंगे इसी प्रकार की ज़मीनी हकीकत। धन्यवाद।